दोस्तों ये क्लिप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं लगा रहा हूँ। इसमें क्या है जी, जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो सिर्फ सेमेस्टर 4 के चल रहे हैं और सिर्फ बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के चल रहे हैं। इसके अलावा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के अभी रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुए हैं। आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते रहिए, जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 2 के भी जब शुरू होंगे तो आपको इसी के थ्रू पता चलेगा। बाकी आप वीडियो देख लीजिए, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हेलो एवरीवन, SOL के अंदर स्टडी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है दोस्तों। जी हाँ, स्टडी मटेरियल लेने के लिए अब आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वेबसाइट पर। बिना उस रजिस्ट्रेशन के आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा स्टडी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो सेंटर्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, वो भी आपको समझना है। जो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक डेट दी जाएगी, आप उसी डेट पर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। चलिए विस्तार से बात करते हैं इस नोटिस के बारे में और समझते हैं कि क्या ये नोटिस आया है। तो ये SOL की वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप आओगे ऊपर ही आपको रेड कलर की एक रनिंग लाइन दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे जिसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 13 अप्रैल का नोटिस है, इसमें सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। इसको हम बहुत ही केयरफुली डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि SOL ने एक नया प्रोसीजर स्टार्ट करा है स्टडी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये प्रोसीजर स्टूडेंट के लिए बहुत कन्वीनियंस रहेगा, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि स्टडी मटेरियल जब किसी को लेने जाना होता था अपना, फिर सिर्फ उठाया चले जाओ मटेरियल लेने, वहाँ पे भीड़ होती थी। तो भीड़ की वजह से कई बार भी ये देखा गया कि आधे बच्चों को मटेरियल मिल गया, आधों को नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंस के लिए एक नया प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है। अब इस प्रोसीजर में क्या होगा, स्टूडेंट को क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी स्टडी मटेरियल लेने से पहले। स्टूडेंट विल रिक्वायर टू टेक प्रायर अपॉइंटमेंट ऑन द लिंक एंड आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट रिपोर्ट टू द कंसर्न सेंटर फॉर कलेक्टिंग द स्टडी मटेरियल। यानी कि स्टूडेंट को एक लिंक पर जाकर एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उस अपॉइंटमेंट का जो टिकट आएगा उसकी रिसिप्ट के बेसिस पर वो अपने कंसर्न सेंटर से स्टडी मटेरियल जाकर कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अभी उस लिंक की बात भी मैं करने वाला हूँ। द स्टडी मटेरियल ऑफ ऑल UG कोर्सेज, जिसमें आपका सेमेस्टर 4 भी, सेमेस्टर 6 भी और सेमेस्टर 2 भी, यानी कि सारे जो UG कोर्सेज के स्टडी मटेरियल हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे अब। ठीक है, जो ये नया प्रोसीजर आ गया है, क्या प्रोसीजर आ गया है, प्री अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको, उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टिंग स्टडी मटेरियल ऑफ अबव मेंशन सेमेस्टर ऑफ UG कोर्सेज विल बी इन अ फेज मैनर, यानी कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये फेज मैनर में होगी। सिंपल सी बात है, ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का, ये फेज मैनर में हुआ है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टडी मटेरियल एट डेजिग्नेटेड सेंटर विल बी एज फॉलो। प्रोसेस क्या है अब वो आप समझ लीजिए, क्या प्रोसेस है। स्टूडेंट हैज़ टू क्लिक ऑन द लिंक, इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा टू जनरेट स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट। स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट को जनरेट करने के लिए इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी इस लिंक पर प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे आपको। आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ स्टडी मटेरियल एडमिशन टिकट एंड फी रिसिप्ट, जी हाँ, आपकी जो फी रिसिप्ट होती है SOL की वो, और जो आप अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे उसका टिकट, दोनों का आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। और स्टूडेंट विल अप्रोच टू द कंसर्न सेंटर एज पर द डेट एंड टाइम मेंशन ऑन द टिकट, यानी कि उस जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपॉइंटमेंट में उसमें आपकी डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगी, उन्हीं को फॉलो करते हुए आप क्या है जी स्टडी मटेरियल लेने जा सकते हो। स्टडी मटेरियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल स्ट्रिक्टली, जो आपके अपॉइंटमेंट टिकट आएगा उसमें जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। ऑन नेक्स्ट डे अदर्स डे स्टडी मटेरियल विल नॉट बी इशूड, यानी कि मान लीजिए आपको 16 अप्रैल की डेट मिली तो 16 अप्रैल के नेक्स्ट डे आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल लेफ्ट ओवर स्टूडेंट ऑफ दीज डेज कैन कलेक्ट देयर स्टडी मटेरियल ऑन कमिंग सैटरडे एंड सैटरडे फ्रॉम द सेम स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट, यानी कि जो भी लेफ्ट आउट स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी कि जिन्होंने अपना शेड्यूल अपॉइंट कर लिया और वो उस डेट पर नहीं जा पाए, तो फिर क्या होगा भाई, आपको अपकमिंग सैटरडे संडे जो होगा उसमें आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे नोटिस में बात करी गई है उस वही मैं आपको बता रहा हूँ।
नो स्टूडेंट विल बी एंटरटेन विदाउट फी रिसिप एंड स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट हार्ड कॉपी टू कलेक्ट स्टडी मटेरियल। यानी कि दोनों का प्रिंट आउट, एक फी रिसिप का प्रिंट आउट और जो आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे इस स्लिप का प्रिंट आउट लेकर आपको जाना होगा अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए। स्टडी मटेरियल विल ओनली बी कलेक्टेड फ्रॉम द डेजिग्नेटेड सेंटर, जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर बनाए जा रहे हैं वहीं से स्टडी मटेरियल कलेक्ट होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे वहाँ पर पूरा एड्रेस आएगा कि भाई इस बच्चे ने जो ये डिटेल डाली है अपनी, इस डिटेल के अकॉर्डिंग इस बच्चे का मटेरियल यहाँ मिलेगा, तो यहीं से कलेक्ट होगा। ऊपर आपकी डेट और टाइमिंग सभी कुछ मेंशन हुई भी मिल जाएगी। अभी जो लिंक है इस लिंक को आपको कॉपी करना है, हालांकि ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है आपको गूगल पे। कॉपी पेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैंने नोटिस में अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि फेज मैनर में शुरू हो रहा है, और मैंने आपको शायद 4 से 5 दिन पहले वीडियो में साफ साफ कहा था कि स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले 4th सेमेस्टर का शुरू करेंगे, फिर semester 6 का करेंगे एंड फिर semester 2 का करेंगे। तो अभी जो ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं semester 4 के हो रहे हैं, ठीक है, ओनली फॉर semester 4 यहाँ पर फिलहाल। जब ये रजिस्ट्रेशन semester 6 के भी हो जाएंगे शुरू, तो आपको भी इसी लिंक पर जाके सारा प्रोसीजर करना है, आपके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो बच्चे semester 2 के या semester 6 के इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कारगर है, लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा बिकॉज एज जो नोटिस में बात लिखी गई है फेज मैनर में होगा, और अभी जब हम रजिस्ट्रेशन पर चेक कर रहे हैं तो सिर्फ semester 4 का ही स्टार्ट है। तो अभी semester 4 का करेंगे, हो सकता है 5 से 6 दिन के बाद semester 6 का शुरू हो जाए और फिर उसके 5 से 6 दिन के बाद semester 2 का शुरू हो जाए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आपको अपना रोल नंबर और बारकोड और ये जो है कैप्चा है 0+6 क्या होता है 6, इसको आपको लिखना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा और सेमेस्टर आ गया 4, कोर्स का नाम आ गया, मीडियम आ गया, और यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कहाँ पर मिलेगा इसको स्टडी मटेरियल। इसको स्टडी मटेरियल मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल क्लस्टर इनोवेशन सेंटर नॉर्थ कैंपस। याद रखिए ये SOL कैंपस नहीं है, लेकिन SOL कैंपस के पास ही एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टेडियम बना रखा है मल्टीपर्पज़ हॉल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर इस स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल मिलेगा। BA प्रोग्राम की जितनी भी गर्ल्स हैं सबको यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टडी मटेरियल। मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ किसको कहाँ मिल रहा है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये देख लीजिए, पहले आप ये सेंटर की लिस्ट देख लीजिए, BA प्रोग्राम की जितने भी बॉयज़ हैं, BA प्रोग्राम के जितने भी बॉयज़ हैं इनके लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा केशवपुरम में, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन केशवपुरम है रेड लाइन में। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के दोनों ही कैंडिडेट्स, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, इनको मिलेगा साउथ स्टडी सेंटर ओल्ड मोतीबाग, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये विश्वहारिया मोतीबाग मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन में, जहाँ पहले कॉमर्स वालों का केशवपुरम में मिलता था, जो कि अब नहीं मिलेगा, साउथ स्टडी सेंटर में मिलेगा। इसके अलावा बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं, और एमए और एमकॉम इनको मिलेगा नॉर्थ कैंपस से, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का है SOL नॉर्थ कैंपस। और बीए प्रोग्राम की जो गर्ल्स हैं इनको मिलेगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम नॉर्थ कैंपस मल्टीपर्पज़ हॉल से, जिनका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय है, ठीक है जी। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो क्लिक सेव फॉर अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम। आपको करना क्या है, ये जो सेव वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। आप खुद से अपनी डेट नहीं चूज़ कर सकते, यही लोग आपको अपनी डेट दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये लगा था कि जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपको खुद से चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, देन ऑटोमेटिकली आपका जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर देखो भाई, रजिस्टर्ड अपॉइंटमेंट डेट 16 अप्रैल की डेट फिक्स हुई है इस स्टूडेंट की, 9 से 1 बजे के बीच ये मटेरियल कलेक्ट कर सकती है। एड्रेस अगेन यहाँ पे क्या है, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय है, ठीक है। 16 अप्रैल को इसको कलेक्ट करना है। यहाँ पे इसके सब्जेक्ट के नाम लिखे रहेंगे कि भाई इन सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा इस बच्चे को। अब वो बात अलग है कि सभी का मटेरियल मिले या नहीं मिले, खैर वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी लिखी गई हैं कि आपको फी रिसिप्ट और जो भी आपका ये एडमिशन टिकट है ये जो आपके सामने है इसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, ठीक है, हार्ड कॉपी में, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन दिखा दोगे फ़ोन में, ठीक है। और जो आपका इसमें टाइम मेंशन है इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, अगले दिन नहीं दिया जाएगा। और जो लेफ्ट ओवर स्टूडेंट हैं
वो अपना स्टडी मटेरियल कमिंग सैटरडे और संडे को कलेक्ट कर सकते हैं। कमिंग सैटरडे संडे का मतलब क्या है जी, इस बच्चे को 16 अप्रैल को मटेरियल मिल रहा है, आज 12 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 16 अप्रैल का खुद से ही संडे है। तो अगर ये 16 अप्रैल को नहीं जा पाई तो फिर अगले 16 अप्रैल के बाद जो सैटरडे संडे आएगा तब ये कलेक्ट कर सकती है, सेम कैंपस से सेम रिसिप्ट को दिखाकर। ठीक है, मैं कर सकती है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, ये गर्ल्स का जो डिटेल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बस यही सब था दोस्तों। नो स्टूडेंट विल बी एंटरटेन विदाउट फी रिसिप और स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट टिकट, यानी कि बिना इस टिकट के बिना फी रिसिप को आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ होगा, उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। बाकी सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर से इस रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए और अपना स्टडी मटेरियल रिस्पेक्टिव सेंटर से कलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको डेट मिलती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।